500 साल पहले से देरी नहीं होती थी। तो चाणक्य सुना है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पॉइजन देना स्टार्ट किया था और उन्होंने वो पॉइजन करके अपनी वाइफ को खिला दिया था, तो चाणक्य ने उनका सिजेरियन करके उनके बच्चे को बचा लिया। तो ये चाणक्य को पता था ना, सभी को थोड़ा ना पता था। चाणक्य ने आयुर्वेद पढ़ा तो चाणक्य ने कर दिया, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाया। आप साउथ में जाके देखो अगर तंत्र कितनी पीक पे है, बिल्कुल भी नहीं है। आईसीयू चल रहे हैं साउथ में अगर तंत्र के, ऐसे मेरे को नहीं लगता पॉइजन दे के ऐसे ट्रीटमेंट आपको नहीं लगता तो फैक्ट तो गलत नहीं हो जाएगी। आप ऐसे में जाना चाहोगे? इतना बड़ा वो एक सेफ है कि हाँ आपकी जान सेफ है, माँ की जान सेफ है, और एक में पॉइजन देके कुछ ऐसा करना कि जिसमें थोड़ा रिस्क भी है, आप कहाँ जाना पसंद करोगे? नॉर्थ इंडिया में अगर आपके आपके पास अगर तंत्र के आईसीयू नहीं है, दैट डजंट मीन कि आयुर्वेदा की प्रॉब्लम है। साउथ इंडिया में आप जाके देखो वहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आयुर्वेदा से हो रही है। आपकी बात मान ली, आप जाना चाहे कहाँ अगर मैं साउथ में होंगी जहाँ डेवलप्ड है आयुर्वेदा तो मैं जाऊंगी वहाँ, क्योंकि यहाँ डेवलप नहीं है ना। आपकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, आपकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, आयुर्वेदा में नहीं है। आपने यहाँ सिस्टम नहीं डिस्कस करने, हम डॉक्टर हम सिस्टम पर नाम एग्जैक्टली हम यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो आयुर्वेदा का कंसेप्ट डेवलप नहीं हो गया ना, कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। पॉइजन वाला कंसेप्ट अच्छा कि जो रेगुलर चल रहा है, जिससे ज्यादा नंबर ऑफ डिलीवरीज ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है, जिसका सक्सेस रेट ज्यादा है, वहाँ जाना पसंद है। सभी के लिए क्या बेनिफिशियल है? हमने आपने आपका अगर इच्छा हो सकती है साउथ में जाने ड्रग वाली थेरेपी देना, जो चीज मेजोरिटी में चल रही होगी, जिसपे गवर्नमेंट इन्वेस्ट ज्यादा कर रही होगी, वो फ्लोरिश ज्यादा करेगा, ये ऑटोमेटिक है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आयुर्वेदा का कंसेप्ट सही है या नहीं, अगर वो आप गलत साबित कर सकते हो तो आप की बात मानी जा सकती है। आयुर्वेदा का कंसेप्ट गलत बताइए आप। लेट मी एक्सप्लेन। जो हेल्थ केयर के लिए बजट आता है गवर्नमेंट का 86,000 करोड़ आता है, जिसमें से आयुष मिनिस्ट्री को सिर्फ 3600 मिलता है, 3600 करोड़। तो उसमें से हमें रिसर्च पे भी इन्वेस्ट करना है, उसमें से हमें हॉस्पिटल्स पे भी इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट कम मिलेगी, आपके सिस्टम की डेवलपमेंट कम होगी, तो आप फ्लोरिश नहीं कर पाओगे। बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम इन कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, साउथ में भी ना कोई भी मदर को अगर मान लो डिहाइड्रेशन हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो आप क्या करोगे आयुर्वेद? क्योंकि ये आयुर्वेदा की हो सकता है वहाँ भी डायरिया में ना हो, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कंसेप्ट नहीं दे रहा। सुश्रुत संहिता में एक्सेसिव इसके लिए इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, तो वहाँ पे आप देख लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई ना कोई इंजेक्शन, कोई ना कोई एनेस्थीसिया या कोई ना कोई कैन्यूला ट्रीटमेंट जरूर यूज होगा। हाँ जरूर यूज हो रहा होगा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ना। कोई भी सिस्टम जो अकेले नहीं चल सकता वो आप कैसे कह सकते हैं? तो हम जो यूज कर रहे हैं वो सही है, ये जरूरी नहीं होता। हमें कैसे पता चलेगा इनको कैसे पता? आप ट्राई करोगे, आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। आप आयुर्वेदा के फैक्ट को गलत बताइए, आप ये मत बताइए कि हम यूज क्या कर रहे हैं। मैं कहाँ से देख के बताऊंगा कोई रिसर्च आएगी? मैं आपको तो आप रिसर्च करके आओ ना, आप करते आयो बिना रिसर्च करके। मैं रिसर्च पेपर पढ़ के आई हूँ सुश्रुत संहिता में इमरजेंसी की जो कंडीशंस है उन्हें टेस्ट किया गया है, जैसे रिटेन फीटस है, चोक स्मोकिंग है, एक्सेसिव डायरिया है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, इन सब की इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो सब सुश्रुत संहिता ने जो एक्सप्लेन की है वो हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए उन्होंने अग्निकर्म को एक्सप्लेन किया था, रेड हॉट रोड लेके अग्निकर्म जो किया जाता है, तो उसको मॉडर्न मेडिसिन में इलेक्ट्रिक कोटर बना के सेम कंसेप्ट पे बनाया गया जो हम यूज कर रहे हैं। तो रेड कोट लगवाना अच्छा कि इंजेक्शन लगवाना अच्छा? मॉडर्न मेडिसिन उसको इलेक्ट्रिक कोटर की फॉर्म में यूज कर रही है। कीट तो लगेगी ना पैर पे अग्निकर्म, मैंने देखा हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रिक कोटर की फॉर्म में उसे यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स सेम कंसेप्ट काम कर रहा है। आपको मेडिकेशन के टाइम पे दर्द हो रहा है तो इसके क्या हुआ है? क्या मॉडर्न मेडिसिन में वेंटिलेशन आप जब करवाते हो आपको दर्द नहीं होता? मैं
मेडिसिन का मतलब क्या है कि आपने कभी वो एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एक्सट्रीम केसेस में हमें वो चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं। हम वहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि आपको दर्द हो रहा है तो ये ट्रीटमेंट ना की जाए। ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटल में आता है तो आप पहले हम स्टार्टिंग में अपनी कर्म करने नहीं बैठ जाएंगे ना, उसके लिए भी हमारे पास जो प्री ट्रीटमेंट होगी वही ट्राई की जाएंगी। वो भी आयुर्वेदिक की होगी, वो जो नॉर्मल है सूचर है या कोई इंजेक्शन हमने नहीं पड़ेगी आयुर्वेद में एक्सप्लेन कर रखे हैं, कोएगुलेंट्स वगैरह देने कुछ भी नहीं तो आयुर्वेद में दिए हैं, बट उनका मॉडर्नाइजेशन हो गया ना, अब स्टेप मॉडर्नाइजेशन हो गया, कंसेप्ट तो आयुर्वेद से आ गया ना। आज क्या यूज करोगे आयुर्वेद को, आप अगर मॉडर्न फॉर्म में मोल्ड करके यूज कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली यूज तो आयुर्वेद ही कर रहे हो। आपने तो कह दिया आयुर्वेद, आप तो उपदेश है, इसे बदलना पाप है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सुश्रुत के कंसेप्ट को इलेक्ट्रिक मोटर बोल दिया और आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया और आप अब उसको बोल रहे हो ये तो मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट है, वो कंसेप्ट तो आयुर्वेदा का है ना, आपने नाम बदल दिया तो वो चीज थोड़ी बदल गई। कंसेप्ट आयुर्वेदा जो उसको मॉडिफाई किया है, जो उसकी फिजिक्स मॉडिफाई करो, साइंस है, चेंजेस होंगे, बट यू कांट से तो पेटेंट अगस्त्य संहिता में डेनियल सेल की फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रखी है और वो पेटेंट है डेनियल के नाम पे, जो एक मॉडर्न साइंटिस्ट है, 1800 में उन्होंने डिस्कवर की है, लेकिन अगस्त्य संहिता आज से 4000 साल पहले लिखती थी, उसका रिसर्च हुई है, बना के देखी है वो इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये तो नहीं कह सकते हम कि अगस्त्य संहिता में जो कंसेप्ट था वो गलत था और आप उसको एक कोपर